नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, एक बहुत ही शानदार वीडियो जो कैमरे के बारे में। कैमरा का मॉडल नंबर हो गया सोनी Z150। इसका इंटरनल सेटिंग बताने जा रहा हूँ, जो HDI और HDMI आउट कैसे करते हैं इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा आपको। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कैमरे के बारे में जानने से पहले कैमरे का आउट कहाँ पे होता है इस पॉइंट को आप देख लीजिए, उसके बाद मैं इंटरनल बताऊंगा कैमरे का इंटरनल सेटिंग कहाँ पे होता है और कैसे HDI और HDMI आउट करते हैं। ये मेरे पास है सोनी 4K कैमरे का Z150 मॉडल कैमरा है। उसके आप लोग जो सेटिंग्स में जाना होगा, सेटिंग्स में जाने से पहले ये देखिए जो बाहर का जो पोर्ट दिया हुआ है, ये जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, पहला वाला जो पोर्ट है ये है HDMI आउट, उसका नीचे वाला है वीडियो आउट और उसका नीचे वाला है ऑडियो आउट। दोस्तों आप लोग जब ये HDMI आउट कर रहे हो उस टाइम HDMI आउट कर नहीं पाएगा, इसलिए उन दोनों का सेटिंग्स अलग अलग होता है। तो इसलिए भी आप लोगों को एक बार जानना बहुत ज़रूरी होता है कि सेटिंग्स करने से पहले आप लोग आउट क्या दे रहे हो, कौन सा आउटपुट निकल रहे हो। समझ लीजिए आप लोग HDMI आउट निकल रहे हो तो सेटिंग्स पे HDMI करना होगा। HDMI के लिए ये पोर्ट है और HDMI के लिए ये पोर्ट है, देख लीजिए। फिर चलिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ इंटरनल सेटिंग्स में जाके कैसे सेट किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों को मैं TC प्रीसेट और कार्ड फॉर्मेट के बारे में भी दिखाऊंगा, वो 10 सेकंड का काम है, आराम से सीख लीजिएगा। फिलहाल अभी मैं ये मेनू पे गया, जो न्यू यूजर्स है, जो नया लोग उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये जो राइट लेफ्ट अप एंड डाउन बटन है ये ध्यान से देख लीजिएगा, बीच वाला वो सेट बटन है, ये थंबनेल बटन है। मैं मेनू पे गया, मेनू पे जाने के बाद अब क्या करना है ये देखिए, ढेर सारा ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, कैमरा आउट सेट पे जाना होगा। ये देखिए जाने के बाद ये वीडियो आउट है, इसमें क्लिक करना होगा। वीडियो आउट में जाने के बाद ये जो आउटपुट सिलेक्ट है इस पे जाना होगा, भाई कुछ करना नहीं, इस पे अगर आप लोगों का HDMI है तो HDMI करके रखिए, अगर HDMI है तो HDMI करके रखिए, अगर वीडियो पे है तो वीडियो करके रखिए। अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया था तीन पोर्ट कैसा कैसा था ऑडियो सुर के, सिर्फ इधर पे आना है और आप लोगों को सिलेक्ट करना है। कभी कभी क्या होता है HDMI आउट देने से कभी कभी आउटपुट नहीं होता है, तो इसलिए HDMI हो HDMI हो आउटपुट नहीं जाने से ये दो ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, 720 576i दीजिए, अगर उसमें नहीं होगा तो ओनली 576i में ही सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी उसमें सेट कर दिया और उसके लिए आउटपुट के लिए और तीन ऑप्शन है, आप लोग स्क्विज करना है, लेटर बॉक्स करना है या एच क्रॉप करना है, ये आप लोगों को खुद मालूम हो जाएगा। उसके लिए भी मैंने और एक अलग वीडियो बना के रखा हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग आई बटन में भी क्लिक कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया, फिलहाल भी जो कार्ड है उसका फॉर्मेट कैसे किया जाता है ये भी एक साथ देख लेते हैं। कार्ड फॉर्मेट करने के लिए आप लोगों को पहले नीचे जाना होगा, ये देखिए एड्रेस में जाना होगा। एड्रेस में जाने के बाद थोड़ा नीचे आइए, नीचे आने के बाद आप लोगों को मीडिया फॉर्मेट मिलेगा। अगर आप लोगों को कार्ड ए पे है तो ए पे क्लिक कीजिए, अगर बी पे है तो बी पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऐसे आप लोगों को मीडिया फॉर्मेट आ जाएगा, आने से आप लोग सिर्फ ओके पे क्लिक करना है। ये देखिए मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, ये कुछ 10 सेकंड या 5 सेकंड टाइम लेता है, कभी कभी तो दिखाता है 10 सेकंड लेता है, 2-3 सेकंड, ऐसे ही इजीली फॉर्मेट हो जाता है। ये देखिए मेरा कार्ड फॉर्मेट हो गया, फिर ओके पे जाने से आप लोग मालूम हो जाएगा पूरा कार्ड फॉर्मेट हो गया। लेकिन आप लोगों का जो TC है वो तो रन हो रहा है, तो उसको भी जीरो करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए भी आप लोग
मेनू पे आइए, मेनू पे आने के बाद इसी यूबी सेट पे आइए, इसी प्रीसेट पे जाना होगा। ये देखिए मैंने रीसेट कर दिया। दोस्तों कैमरे के ऊपर जो भी वीडियो चाहिए उसके लिए आप लोग एसटी स्टूडियो पे जाइए और आप लोगों को जो जरूरत है वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।